जब वीकनेस की मैंने बात की तो वीकनेस में क्या है कि बहुत सारी कमजोरियां होती हैं हमें, जिनको हम हमेशा छुपाते हैं, अपने आप से छुपाते हैं, लोगों से छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, और वो कमजोरियां ही कारण होती है हमें सक्सेस ना होने के लिए। डू वॉट एवर स्केयर्स यू अंटिल इट डज नॉट, हर वो काम करो जो तुम्हें डराता है जब तक वो काम होने ना लग जाए, क्योंकि दोस्तों डर के जिंदगी नहीं जी जाती, डर डर के लाइफ नहीं जी जाएगी। हर वो काम करना है आपको जो आपको बहुत डराता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक बार हिमाचल में 22 बच्चे घूमने गए, बाढ़ आई पानी का, बांध फूट गया, 22 के 22 बच्चे बह गए। हर माँ बाप ने कहा भाई आज के बाद नदी में मत जाना, नदी में मत जाना, सब अपने बच्चों को डरा रहे थे। एक आदमी था, एक बंदा था एयरफोर्स का, वो अपने बच्चे को तैरना सिखा रहा था। बोला तू तैर, वो अपने छोटे से बच्चे को डाल दिया, हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारे, बच्चा तैरना सीखा, फिर उसको तैरना सिखाया, फिर उसको बहते पानी में तैरना सिखाया, क्योंकि वो ये कह रहा था कि जिंदगी है, सिचुएशन कभी भी दोबारा आ सकती है, डरा के बच्चों को कब तक घर में रखूंगा, एक ना एक दिन तो उसको तैरना सिखाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें डराती, बहुत सी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग में हमें डराती है। हमें स्टेज पे काम करना नहीं आता, स्टेज प्लेयर नहीं है, नेटवर्कर हम के लीडर नहीं बन पाते, सेशन नहीं ले पाते, 8-step ट्रेनिंग नहीं ले पाते, सेमिनार क्लोजिंग नहीं ले पाते दोस्तों, जबकि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का है। ये बिजनेस में आपको लीडरशिप लानी है तो स्टेज पे जाना पड़ेगा, बिना स्टेज के धंधा कभी नहीं हो सकता, आपको बड़ा कभी नहीं बना सकता कोई अपलायन, कोई सिस्टम, कोई कंपनी आपको बड़ा नहीं बना सकती अगर आप स्टेज पे नहीं जाओगे तो। दोस्तों बहुत से लोग स्टेज पे जाने से डरते हैं, कांपते हैं, पैर कांपने लगते हैं, अरे फिर क्या, कोई मार थोड़ी देगा, हाँ कोई हमें जेल में थोड़ी डाल देगा, जैसा बोलेंगे बोलेंगे, हमारी मर्जी, हमारा स्टेज, अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को ना लगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। आज का अमिताभ बच्चन तो हमें जो कहानी हमने सुनाई, बंदे तो नहीं बैठे हैं सारे, उन्हें क्या पता कि जो कहानी इसने सुनाई वो सही है गलत है। अरे आपका छोटा बच्चा होता है, घुटनों से चलता है, बार बार क्यों उठाते हो, बार बार उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, एक दिन चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को क्या डराता है मुझे पता है, स्टेज। 1-to-1 गजब के प्लानर हो आप, 1-to-1 किसी से पैसे निकाल के ले आओगे, बाहर ट्रेनिंग लेने गए तो भाग जाओगे, छुप जाओगे, सेमिनार की क्लोजिंग गए तो छुप जाओगे, नहीं इधर आगे आओ, धंधा बंद करो। एक दिन जब मैं गया था स्टेज पे, मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, जवान लड़खड़ा रही थी, दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन आज वही संजीव आपके सामने बात कर रहा है। क्यों? एक बार गया सब कांपा, अगली बार गया सिर्फ पैर कांपे, हाथ नहीं कांपे, अगली बार गया जवान नहीं कांपी, अगली बार गया दांत नहीं किटकिटाए, 5-6-7 बार उस बच्चे की तरह बार बार उठा, बार बार उठा, बार बार उठा, दौड़ने में लग गया, चलने में लग गया। इसी तरह बार बार स्टेज पे जाओगे, बार बार स्टेज पे जाओगे, एक दिन बहुत बड़े लीडर बन जाओगे, बहुत बड़े नेटवर्कर बन जाओगे, बहुत बड़ी लीडरशिप आपके पास होगी। तो दोस्तों ये जो डर है ना आपके अंदर, स्टेज का डर सबसे बड़ा डर है। मुझे पता है और कोई डायरेक्टर के पास डर नहीं है, नहीं नहीं सर स्टेज पर नहीं जाऊंगा, इस डर को खत्म करो। और इसके सिवा भी अगर किसी चीज से जीवन में डरते हो, पानी से डरते हो तो तैरना सीखो, नहीं तो डूब के मर जाओगे। ऊंचाई से डरते हो तो चढ़ना सीखो, नहीं तो गिर के मर जाओगे। डर खत्म करो, जीवन में डर खत्म करो, जो भी आपकी कमजोरियां हैं इन सब को खत्म करो, जो चीज आपको डराती है उसको तो जरूर करना है, किसी भी हालत में करना है। अरे ऐसे बहुत से लीडर हैं जो स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं कर पाते। स्ट्रेंथ स्टेज की है, वीकनेस ग्राउंड की है, हमें दोनों चाहिए भाई, हम ग्राउंड पे भी रहेंगे, हम स्टेज पे भी रहेंगे। तो दोस्तों जो भी चीज आज से आपको डरा है, उस चीज को, जो भी काम आपको डरा है उसको जरूर करना है, तभी आपकी जीत हासिल होगी। अगर डरे रहोगे, छुपे हुए रहोगे तो चीजें आप पे हावी हो जाएंगी, और आप जीतने की जिद करोगे तो एक दिन दौड़ने भी लगोगे, चलने भी लगोगे और स्टेज पे बोलने भी लगोगे। तो